फैमिली नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं हूँ निशा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 6 बजे से, क्योंकि सुबह से फिर मैं खेत चली गई थी, तो खेत चली गई, फिर वहीं पर हम दिन भर रहे थे, फिर अभी आई हूँ शाम को, फिर नहाया धोया है, फिर मुझे खाना बनाना है। और रुपाई हमारी अभी बची हुई है, थोड़ा और बाकी है, अभी पूरी लगी नहीं है। और बहुत धूप गर्मी भी है। और दीदी और पारो अभी पौधे निकाल रहे हैं, और दक्षू के पापा, बड़े भैया सब खेत में हैं। और आज भांजे भी आए हुए हैं खेत में पानी यानी लगवाने के लिए आए हैं। थोड़ी काम उनका काम हो गया था, तो अब यहाँ पे आ गए हैं काम निपटवाने के लिए। तो आज संडे है और कल तो मंडे है, तो मंडे को तो फास्ट रहता है, तो कुछ बनना है नहीं। तो आज भैया लेके आए हैं, काली काली थैली में कुछ तो लाए हैं, तो कुछ तो होगा ही, तो मैंने देखा नहीं है क्या है, तो वही सब्जी वब्जी बनानी है। और दक्षू ऐसे घूम रही है, तो मैं आई थी छत में थोड़ा कपड़े वपड़े लेने के लिए। तो आजकल बहुत हरा भरा बिल्कुल खेत ऐद हो गए हैं पौध लग लग के, तो आजकल बहुत अच्छा है। तो बना देखते हैं नीचे क्या लेके आए हैं भैया सब्जी बनाने के लिए। नीचे बन रही है हमारी चाय गर्म हो रही है, सानिया ने बना के रखी थी चाय, तो चाय हमने पी ली थी, तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद खाना बनाने लगेंगे। कैसे उतारू सुधार फिर बनाएंगे हम खाना। और देखते हैं काली थैली में क्या लेके आए हैं भैया। ये कुछ माल लेके आए हैं भैया, शायद चिकन लेके आए हैं, तो चिकन लेके आए हैं, तो आज बनाएंगे हम चिकन। सानू बना रही है वहाँ पर मसाला, लहसुन प्याज कूटेगी, और हम देख इस चिकन बनाने वाले हैं, क्योंकि आज संडे है, भांजे भी आए हुए हैं, तो बना लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन, भैया लेके आए थे, तो आज मैं आया, ये हमारा चिकन है, शायद 2 किलो होगा। तो आज मैं आपको कुछ नया स्टाइल से चिकन की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी कि आपको आता हूँ। तो ये है चिकन जो भैया लेके आए थे, शायद 2 किलो है। तो आज मैं कुछ नए स्टाइल से बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे इधर समथिंग एक ही जैसे बनाते हैं, तो मैंने फूफा जी को देखा था कि मतलब वो दूसरे जैसे बनाते हैं, तो मैंने उनकी सब्ज़ी खाई थी तो टेस्टी लगी थी। तो आज मैं चिकन तो कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, सूप वाला चिकन बनाने वाली हूँ। मैं सूखा नहीं बनाऊँगी, आज इसमें सूप बनाऊँगी, क्योंकि हमारे भांजे को सूप ज़्यादा पसंद है। तो और खाना मैंने यहाँ पे आग में रख दिया है बनने के लिए, मैं चढ़ा दिया है, तो खाना जब तक बनेगा तब तक मैं सब्ज़ी धुल के लाऊंगी। और सानू ने मिर्ची टमाटर लहसुन प्याज सब काट दिया है, और उसको धुल के लाऊंगी। तो आज मैं बनाऊंगी कुछ नए तरीके से, मतलब ट्राई करूंगी कि कैसा लगता है। जब फूफा जी ने बनाया था तो बहुत अच्छे से बनाया था, हमारे यहाँ फूफा जी ने बुआ के वहाँ जाती हैं, तो फूफा जी ही चिकन बनाते हैं, वो बहुत अच्छा चिकन बनाते हैं, लेकिन वो नए तरीके से बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं वैसे वो नहीं बनाते हैं। और आपके पास बैठ के लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी की, कुछ पूछो मत, तो आपके पास बहुत गर्मी है, तो मैं इसको धुल के लाती हूँ फिर बनाऊँगी। तो आज देखते हैं नए तरीके से चिकन कैसा लगता है। और चिकन हमारा धुल चुका है, ये धुल रही हूँ मैं, और इनको मैंने काट लिया था, क्योंकि आज हम घर पे नहीं काटे थे, आज दुकान से ही कटवा के लाए थे, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, मुझे काटना नहीं आता है चिकन, मतलब जो पूरा लेके आते हैं वो मुझे काटना नहीं आता, कुछ पारो लोगों को आता है। तो आज मैं खाना बनाने वाली थी, तो मेरे लिए कटवा के लाए, तो मैं बस धुल लेती हूँ, छोटे छोटे पीस में काट लिया था, क्योंकि बड़े बड़े मज़ा नहीं आता, उनके अंदर नमक नहीं जाता है ना, इसलिए। तो ये मैं धुल ले रही हूँ, और आके इधर ही अंदर ही बैठ के धुल रही हूँ, गर्मी बहुत लग रही है, क्योंकि बाहर बहुत कुत्ते आ जाते हैं, तो इसे धुल लेती हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, इसे पहले नॉर्मल तरीके से बनाती थी, तो हम तेल हल्दी में इसे उबाल लेती हूँ, लेकिन अभी मैं इसे खाली उबालूँगी, मतलब जो इसमें से थोड़ा पानी निकलेगा वो मैं फेंक दूँगी, और उसको अलग से तड़का लगाऊँगी। तो इसे पहले मैं उबाल लेती हूँ, वो चिकन मैंने अपना उबाल दिया है, तो चिकन उबल चुका है, और इसमें मैंने हल्दी नमक कुछ नहीं डाला है। हम लगाएंगे तड़का, ये है हमारे मसाले, ये प्याज और ये टमाटर, और इसमें हम कर रहे हैं पानी गरम। तो बहुत गर्मी है बताइए, आपके पास इतना पसीना आ रहा है, आपके पास यह हमारा पका है मसाला, ये मैंने उबाल रखा है, तो इसका पानी मैं नहीं डालूंगी, इसमें चिकन है वही डालूंगी, इसका पानी मैं फेंक दूंगी,
तो हम स्टार्ट करते हैं अपना खाना बनाना। सब्जी बन ही रही है, खाना तो मैंने पहले ही बना लिया था। इसमें मैंने डाल रही हूँ जो लहसुन और अदरक का पेस्ट आता है, तो वही भैया से मंगाया था हमने, बस वही डाल रही हूँ। और पहले तेल डाला, तेल में जीरा के बाद लहसुन प्याज का जो हमने पूड़ी में कूट के रखा था वो, और उसमें टमाटर डाले, और टमाटर में डाल देते हैं थोड़ा सा पानी जिससे ये अच्छी तरीके से गल जाएंगे, और इस मसाले को पानी में थोड़ा अच्छी तरीके से पका लेंगे, क्योंकि वैसे जल जाता है अगर पानी नहीं डालते हैं तो जल जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये हम अपना पीस है चिकन वो इसमें तड़के में डाल लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं, पूरा मसाला बिल्कुल आसपास मिल जाएगा। तो थोड़ी देर छोड़ देंगे ऐसे ही 5 मिनट तक, जिससे अच्छे से मसाला अंदर चल ही जाएगा। उसके बाद इसमें सूप बनाएंगे, मतलब उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। सबसे पहले यही काम है हमारा कि सब सारा मसाला अंदर चले जाए, इसलिए 5-10 मिनट उसको ऐसे ही रख देना है, चाहे ढक के रख देंगे तो और अच्छी बात है। तो मिला के सूप बनाना है, क्योंकि भांजे हैं वो सूखी सब्जी नहीं खाते हैं। क्या कर रहे हो? हैं अभी तो ये सो रही थी ये बालक, हैं क्या कर रही है बताओ? समायरा क्या देख रही है? हैं क्या देख, कार्टून देख रहे हो? गंदी बात कर रही है, यादू भी आ गया, आदू भी आ गया, ये घूमते रहता है। हमारी सब्जी बनके तैयार है और ये बहुत टेस्टी है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो बनी है, कैसे टेस्टी है? मैंने अभी ही थोड़ा सा खा के टेस्ट करके देखा था, तो ये बहुत टेस्टी लगी। तो आप भी बना के देखना कैसी लगती है सब्जी। तो आप देखिए सब्जी, सूप वाली सब्जी बहुत अच्छी है, ग्रेवी। तो सब्जी मेरी बन चुकी है और सब्जी आज बहुत कई में बहुत टेस्टी बनी, कि जो पहले की सब्जी बनाती थी ना तो उसमें एक्स्ट्रा ऑयल जो चिकन में का ऑयल होता है ना वो आ जाता था, तो टेस्ट मतलब थोड़ा सा खाने में जी भर जाता है। तो इसमें क्या हुआ, मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने फेंक दिया, तो मतलब इसको हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। उसमें तो ऐसा लगता 2-3 पीस खाओ तो ऐसा लगता बहुत खा लिया, अब चिकन खाना ही नहीं है, मेरा तो ऐसा होता है। तो रात हो गई बहुत और गर्मी बहुत है, पसीना पसीना हो रहा है, आपके पास आई हूँ मैं अभी, और हो गई है रात। रात तो क्या हो ही गई है, अंधेरा हो चुका है। और जो खाना, और जो हमारे जो भैया आए हैं देसी लोग, वो जो खाना बना रहे हैं वो भैया लोग, तो वो भी आज चिकन बनाया है उन्होंने भी, तो वो भी अलग तरीके से बनाते हैं। तो उनको भी मैं देख रही थी कैसे कैसे बनाते हैं, कभी मैं उनके तरीके से ही बनाऊंगी कि वो लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि हर लोगों का अलग अलग तरीका होता है सब्जी बनाने का। कोई उबाल के बनाता है, कोई ऐसे तड़का लगा देता है, तो अलग अलग तरीके से बनाता है। तो फिर और तो इसलिए अब मैं खाना ना दूंगी, सब्जी बन चुकी है, किचन जन साफ़ करूंगी और बिस्तर भी साफ़ करूंगी, दक्षू भी सो गई है। तो आज का ब्लॉग मैं ही समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे।